आपको बड़ा जो पार्क है वो दिखा देता हूँ। बहुत ही बड़ा पार्क है और यहाँ से जो लगता है कैसल, वाव क्या लगता है यहाँ। फ्रेंड्स आज हम लोग जा रहे हैं 800 साल पुराना, ये जो कैसल है मलाई काउंटी में बना हुआ है और करीब 1185 में ये कैसल बनाया था। ये भी बोलते हैं कि आइलैंड का मोस्ट हॉन्टेड कैसल है। तो सबसे पहले हम लोग को जाना है बस पकड़ के डार्ट स्टेशन और वहाँ से फिर आगे जाएंगे, मलहाइड उतरेंगे और वहाँ से एक स्पेशल ट्रेन भी जाता है जो मलहाइड का साइट सीन करवाता है। मलहाइड स्टेशन से उतरे और ये दिखा देता हूँ आपको यहाँ का स्टेशन। ये जो है वो ट्रेन स्टेशन है। पकड़ कर जाएंगे जो है हम लोग मलहाइड कैसल की तरफ जा रहा है और करीब 1 किलोमीटर चल रहा है। 1 किलोमीटर के बाद हमारी मंजिल आ जाएगी। सैटरडे है और पूरा ट्रैफिक जाम लग रहा है। आजू बाजू पूरा रेसिडेंशियल एरिया है, ये आप देख सकते हैं। क्लाउडी वेदर है, बारिश नहीं होगा ऐसा फोरकास्ट है, देखते हैं। लेकिन अभी तो जो तरफ से बादल दिख रहे हैं बारिश होने के बहुत ही चांस लग रहे हैं। और ये कुछ डेकोरेशन है बीच में रोड में, ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया है और आगे बढ़ते हैं। ये छोटे छोटे घर हैं, ब्यूटीफुल ये देख सकते हैं आप। अभी हम लोग पहुंच गए मेन गेट के पास, मलहाइड कैसल गार्डन। तो ये कैसल का हिस्ट्री ऐसा है कि 1185 यानी कि 1200 सेंचुरी में जो किंग हेनरी टू था उसने रिचर्ड टेबलर को ये गिफ्ट में दिया था और ऑलमोस्ट 600 ईयर्स तक ये जो पूरा कैसल है वो जो टेबलर की फैमिली को यूज़ कर रहे थे। और अभी हाल ही में 1976 में ये आइलैंड की गवर्नमेंट को पार्ट दे दिया गया है।
इसके पीछे कुछ गार्डन्स भी हैं, बोटानिकल्स गार्डन है, और यहाँ पर कुछ घोस्ट के जो स्टोरी है वो भी बहुत फेमस है। जैसे कोई वाइट ड्रेस में किसी को कोई लेडी दिखती है तो कोई जेंट्स दिखते हैं रात को। और अगर आपको ऐसे ही कुछ घोस्ट की एक्सपीरियंस करना है तो आपको चाहिए तो रात में आ सकते हैं, बट अदरवाइज ये कैसल बहुत ही ब्यूटीफुल है। अगर आप आयरलैंड आते हैं, डबलिन आते हैं तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। सराउंडेड बाई पूरे गार्डन्स हैं और बहुत ही बड़ा एरिया है जो हेल्थी टूर ने रिचर्ड टैंबलो को गिफ्ट किया था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस यहाँ से। एक बार फिर से आपको बड़ा जो पार्क है वो दिखा देता हूँ, बहुत ही बड़ा पार्क है, ह्यूज। अभी हम लोग ने तो 1/3 भी इसको एक्सप्लोर नहीं किया। और यहाँ से जो लगता है कैसल, वाह क्या लगता है यहाँ से। ये जो है वो एंट्रेंस है, यहाँ से मैं ज़ूम करके दिखाता हूँ, एंट्रेंस है, यहाँ से आ सकते हैं ये कैसल। वापस आते टाइम हम लोग एक खुफिया रास्ता ले रहे हैं, तो ये है हम लोग का एक खुफिया जंगल वाला रास्ता। और आगे एक घोस्टी लेडी चल रही है, और ये घोस्टी बॉय है, घोस्टी लेडी है। खत्म करते हैं, होपफुली आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि अगर कोई आयरलैंड आ रहा है, ट्रैवल कर रहा है, तो वो मलाहाइट कैसल में जाकर एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, विल सी यू सून, टिल देन बाय बाय। बाय बाय।